Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. बच्चों वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें. अ बुलेट ऑफ मास 0.02 केजी मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड. इस बार हमें बुलेट की स्पीड पहले से ही मालूम है, ठीक है. और हमें छोटा m दिया हुआ है, इतना 0.02 केजी. स्ट्राइक्स अ 2 केजी वुडन ब्लॉक. ये है वुडन ब्लॉक, ये भारी है काफी, 2 केजी का है. सस्पेंडेड बाय अ 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड. तो ये जो अगर इसे L बोला जाए, लेंथ ऑफ थ्रेड, तो वो है 1 मीटर. इट इज सस्पेंडेड बाय अ 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड एंड इज एम्बेडेड इन द ब्लॉक, ठीक है. व्हाट इज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ द थ्रेड विद द वर्टिकल. तो इस बार हम लोग इस इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, इस थीटा की बात कर रहे हैं, जो जिसको ये बोल रहे हैं मैक्सिमम इंक्लिनेशन. देखिए, थोड़ा सा हिलेगा तो थीटा बहुत कम होगा और बहुत ज्यादा हिलेगा तो थीटा जो है ज्यादा होगा. इसीलिए ये लोग मैक्सिमम इंक्लिनेशन पूछ रहे हैं, यानी कि कहीं और एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, केवल बूम साउंड में एनर्जी वेस्ट होगी और यहां अगर जो भी एनर्जी बचती है तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी. ये केस हम लोग पहले भी कर चुके हैं. इस वाली फोटो में हम लोग लगाएंगे LOCM और इस वाली फोटो में हम लोग लगाएंगे LOCE. LOCM का मतलब क्या होता है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और LOCE का क्या मतलब होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. है ना, अच्छे से कर चुके हैं ना हम लोग, ठीक है. अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हैं तो देखिए, पहले ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, इसके के पास वेलोसिटी है, इसके पास वेलोसिटी नहीं है. तो हम लोग क्या लिखेंगे? m इंटू वी, इसका मोमेंटम, प्लस m इंटू जीरो, इसका मोमेंटम, इज इक्वल टू m प्लस m इंटू वी वन. V1 क्या है? इसकी स्पीड, जब गोली धस जाने के बाद ये V1 से इधर चलने की कोशिश करेगा, है ना. तो अब हम लोग यहां से V1 कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए, M कितना है? 0.02 V. ये तो जीरो ही हो गया, है ना, M मल्टीप्लाइड बाय जीरो है. M प्लस M क्या हो जाएगा? 0.02 प्लस 2 इंटू वी वन. अच्छा, और छोटा वी तो हमें पता है, यही है छोटा वी, है ना. छोटा वी है 200 मीटर पर सेकेंड, तो यही लिख लो 200 और प्लस वी. अब देखो यार, ये 200 में 0.02 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा. ये क्यों लिख रहा है? जीरो, यहां पे ये 4 है और यहां पर हम लोग कर रहे हैं 2. ये दोनों जोड़कर हो जाएंगे कितने? 2.02. तो इस तरह से हमारा V1 आ जाता है कितना? भाई ये डिवाइड कर सकते हैं, अगर देखिए 2 होता तो सीधे आंसर 2 कट जाता और आपका V1 आ जाता है 2. लेकिन डिनोमिनेटर थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए हमारा आंसर 2 से थोड़ा कम आ रहा है, 1.98 मीटर पर सेकेंड. आंसर क्या है? ये एक यूजफुल नंबर है जो आगे काम आएगा आपके. और अब हम लोग आ जाते हैं इधर पे. अच्छा, 1 पॉइंट थोड़ा सा ये ओवरले की वजह से मैं इधर ले आता हूं. वी वन इज इक्वल टू 1.98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है.
और ये यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो इधर LOCE लगाने के बाद काम आनी चाहिए। अब देखिए यहां पर जब बूम साउंड आ चुकी है, काफी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है, उसके बाद की जो वेलोसिटी है, इसकी जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी है, वो अब इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और बूम साउंड में काफी एनर्जी वेस्ट भी हुई होगी। इस केस में भी हमें एनर्जी वेस्टेड नहीं निकालना है, बट आगे एक कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा जहां पे आपको वेस्टेड एनर्जी भी कैलकुलेट करनी होगी, लेकिन यहां नहीं है। तो ये V1 से बूम साउंड के बाद चलना शुरू किया था, तो ये भी V1 से ही चलना शुरू कर देगा ये पूरा सिस्टम, बुलेट प्लस ब्लॉक। तो यहां पे आप अब लगा सकते हैं ½ m + m V1² = m + m GH। H यहां पे हम किसको ले रहे हैं, इस हाइट को ले रहे हैं, है ना। ये जो लेवल डिफरेंस हो रहा है, ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है पेंडुलम की तरह, तो इसकी वजह से ये इसकी हाइट जो है इंक्रीज हो जाएगी, एक लेवल डिफरेंस आ जाएगा H का। यहां पे आप इन दोनों को कैंसल कर सकते हैं, V1 हम लोग कैलकुलेट ही कर चुके हैं, तो एक तरीके से H कैलकुलेट करना हमारा गोल रहना चाहिए। G देख लेते हैं कितना है, 9.8 है, बहुत ही दुख की बात है, G 9.8 आ गया। चलिए 1/2 × 1.98 का होल स्क्वायर 9.8 × H। चलिए भाई, तो 1.98 आ रहा है 2 बार और 9.8 आ रहा है यहां पे। तो देखिए ये 1.98 / 2 है, तो 2/2 होता तो 1 आ जाता, तो 1 से थोड़ा कम 0.99, और ये 1.98 / 9.8 है। देखिए ये 200 होता, ये मतलब 2 होता और ये 10 होता तो काफी बढ़िया रहता, लेकिन 2 और 10 होता तो 0.2 आता। अब इसे डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 0.202। इस तरह से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा गेस वर्क टाइप का है, लेकिन अगर आपको ये गेस वर्क नहीं आता है तो आप कैलकुलेट करके ही करिए। और ये दोनों ये देखिए 1 है, ये 0.2 है, तो मल्टीप्लाई होके 0.2 के ही आसपास आ जाएगा, H जो है 0.2 मीटर आया। लेकिन ये भी हमारे काम का नहीं है, मतलब आंसर नहीं है, काम का तो है, लेकिन अभी हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ द थ्रेड। तो इंक्लिनेशन निकालने के लिए इन दोनों डायग्राम को, यानी कि इस डायग्राम को मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा आपके सामने, ताकि आप और समझ पाए, ठीक है। मैं इस बार अपने पूरे इस सिस्टम को, ये जो है ब्लॉक प्लस बुलेट, उसको एक पॉइंट मास जैसा मान रहा हूं, ठीक है। बहुत ही छोटा है ये ब्लॉक है और इसके अंदर से लाल बुलेट पड़ी हुई है, ठीक है। और अब क्या हो रहा है कि ये ऐसे इधर की तरफ घूम रहा है, तो घूम के ये यहां पहुंच गया, और अब आप देख सकते हैं ये हम लोग फिर से, चलिए इसको बना देता हूं मैं, ये रही अपनी लाल रंग की बुलेट और ये रहा अपना काला ब्लॉक, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने ये डिफरेंस निकाल लिया है, यानी कि ये 0.2 निकाल लिया हम लोगों ने। ये जो है थ्रेड लेंथ जो थी वो 1 थी, ये देखिए ये इसको डॉटेड कर देता हूं मैं, सेम यही वाला डायग्राम मैंने दोबारा बनाया है। देखिए ये पूरा 1 था, तो ये भी पूरा 1 होगा, और अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 1 - भाई ये 0.2 आया है, ठीक है ना।
और ये एंगल आपको थीटा निकालना। तो बस अब आप देख सकते हैं, मैं चाहूं थोड़ा स्कूल में करने के हिसाब से थोड़े नाम वाम दे देता हूं, नहीं तो और जल्दी कर सकते थे हम लोग। और ओ ए बी सी, ठीक है। अच्छा अब इन ट्राइंगल यहां लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ओ सी बी, ओ सी बी में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए ये आपका हो गया बेस और ये हो गई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाई ओ बी, है ना, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, यही लिख देता हूं, चलिए ओसी कितना है 1 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 1, तो कॉस थीटा अपना हो गया 0.8 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। और इसे आप चाहे तो कैंसिल कर लीजिए, इसे हटा दीजिए, ये यहां आ जाएगा, ये सब आपके लिए काफी आसान होना चाहिए अब 11th क्लास में आने के बाद। तो cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 है ये, आपको अगर नहीं एग्जाम में आता है मतलब वैल्यू नहीं याद है तो आप आराम से थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 करके छोड़ सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5, ठीक है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बट मैं बुक से भी मैच करूंगा आंसर, एक तो ये पॉसिबल आंसर है बुक कि आप पूरा आंसर दीजिए, पूरा थीटा को डिग्री में बताइए, उस तरह से आंसर यहां पे दिया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। इस स्टेप से फिर हम लोग इधर आ जाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 37 डिग्री। अब आप तुरंत बोलेंगे यार ये आपको कैसे स्ट्राइक किया कि ये 37 डिग्री ही आने वाला है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी थ्योरी भी बता देता हूं। वैसे ये मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बता भी चुका हूं, क्योंकि एक बड़ा ही स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल को यहां बुला लेते हैं, स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है इस तरह से कि देखो यार 3, 4 तो यहां पे हो जाएगा 5, ठीक है। इसमें ये छोटा एंगल होता है, ये थोड़ा बड़ा एंगल होता है, ठीक है, ये लंबी साइड जो होगी वो बड़े एंगल के सामने होगी, छोटी साइड जो होगी वो छोटे एंगल के सामने होगी। तो इस तरह का जो ट्रायंगल होता है इसमें ये होता है 37 डिग्री और ये होता है 53 डिग्री, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब cos 37 डिग्री क्या हो रहा है 4/5, उसी तरह sin 37 डिग्री हो जाएगा 3/5, उसी तरह cos 53 डिग्री हो जाएगा 3/5, और उसी तरह sin 53 डिग्री हो जाएगा 4/5। तो इस ट्रायंगल को आपको याद रखना पड़ेगा। तो cos थीटा 4/5 जब है तो यानी कि थीटा हमारा 37 डिग्री है, तो ये चीज आप अच्छे से सीख लीजिए और कॉपी कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।